लेकिन इतनी बड़ी अगर परमेश्वर आपको विजन दे, अगर वो आपको यहूना बनाना चाहता है या आपको एलिया बनाना चाहता है या एलिशा बनाना चाहता है, वो आपसे वो प्राइस भी लेगा। आमीन। आप मजे मर्सिडीज के लेना चाहते हो और प्राइस एल्टो का देना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है जब एलिया ने एलिशा को बुलाया कि मेरे पीछे चल, तो एलिशा ने लिखा अपने अपने बैलों को कुर्बान किया। किया कि नहीं किया? क्यों? कि कहीं मुझे पीछे ना जाना पड़े, मुझे फोन ना करें, मैसेज ना करें कि भाई तेरा वो फलाना बैल बीमार हो गया, 2 मिनट आ जा बस देखने के लिए, आज तेरा फलाना बैल थोड़ा बीमार है, आ जा 2 मिनट देखने के लिए, देख के वापिस चला जाए। उसने सभी बैलों को कुर्बान किया ताकि जब वो परमेश्वर की सेवा में जाए, अगर उस क्योंकि जब आप सेवा में जाएंगे निराशा आएगी, आप प्रभु में बढ़ेंगे निराशा आएगी। प्रातःकाल तेरी करुणा का, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह का मतलब है जब आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती, जब आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी होती, कहता तब मेरी करुणा का, पर जब तेरी जिंदगी में रात आए तो मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब वो समय जब आपकी लाइफ पीछे हो, आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा हो, बीमारी आपके सामने हो, बावजूद इसके कि आप पवित्रता में चल रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, बावजूद इसके कि आप बो रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर रात में तू चल रहे तो उस रात में तू मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप अपनी बीमारी में भी, कुछ लोग हैं अपनी बीमारी में मसीह के साथ वफादार रहने के बावजूद भी वो अपनी बीमारी में टिके हुए हैं प्रभु से। एक ये तरह के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं पर बेस्ट नहीं। बेस्ट वो हैं जो अपनी बीमारी में अड़े रहने के बावजूद भी चंगाई का प्रचार भी साथ साथ कर रहे हैं, ये बेस्ट तरह के लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा 30 गुना 60 गुना और मैं तुम्हें 100 गुना फल दूंगा। ये चर्च को मैं मसा करता हूं 100 गुना फल लेके आने के लिए, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपकी बॉडी, आपकी सेवकाई समेत, अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी। तो एक वो लोग हैं जो जो खड़े हैं परमेश्वर में, पर एक वो लोग हैं जो ना कि सिर्फ खड़े हैं बल्कि उसके नाम का प्रचार भी कर रहे हैं, जिस तरह मैंने अपने दिन के शुरुआती मिनिस्ट्री में किया। ब्लेसिंग अपनी लाइफ में महसूस कुछ हिस्सों में की, कुछ हिस्सों में नहीं की, पर उन हिस्सों का प्रचार किया। आप जब प्रति रात परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर मजबूर रहता है आपकी ब्लेसिंग को आपको देने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने विश्वास पे खड़े तो हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना भी आपको मिले, पर अगर आप प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, रात मतलब वो टाइम जब आपकी अगुवाई नहीं हो रही, जब अंधेरा है, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं है, कोई मालूम नहीं कहां जाना है, कोई मालूम नहीं क्या स्टेप लेने, कौन सा बिजनेस करूं, किस से शादी करूं, कहां पे जाऊं, कौन से क्या करूं मैं, फिर भी आप उसकी सच्चाई का प्रीच करें तो ये दिखाता है कि आप सचमुच कोड़े खाए हुए, परखे हुए उसके बेटे और उसकी बेटियां, कोड़े खाए परखे हुए। हे उसने कहा, हे जवान, उसने कहा अगर तू उसका बेटा बनना चाहता है तो वो तुझे क्या करेगा, कोड़े लगाएगा। अगर तेरे कोड़े नहीं लगे तो तू नाजायज संतान है, तू जायज संतान नहीं, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास नहीं है तुझ पे कि जब वो तुझे कोड़े लगाएगा तू टिकेगा कि नहीं, उसे उसे भी विश्वास नहीं है तू जायज है या नहीं। प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना और जब दिन हो उसकी करुणा का प्रचार करना कि परमेश्वर ने मुझ पर करुणा की है, मुझे चंगा किए हैं, आशीषित किए हैं, अपनी महिमा के लिए बुलाया, पर जब रात हो जाए तेरी लाइफ में तो उसकी सच्चाई का प्रचार करना, प्रचार करना, विश्वास करना नहीं। क्या करना, देखो शैतान के कैसे डंडे लगते, फिर करके देखो कैसे उसके डंडे लगते हैं, कैसे वो भागते हैं आपकी लाइफ से, कैसे आपके बच्चों को वो छोड़ते हैं, कैसे आपके बीमार शरीरों को वो छोड़ते हैं, आप करके देखना ऐसे ही, और कैसे होली स्पिरिट से आप भरते हो, आप करके देखना। आमीन। होली स्पिरिट से वो नहीं भरते हैं जो सिर्फ फेथ करते हैं, वो भरते हैं जो प्रचार करते हैं, जो ये वेट नहीं कर रहे कि जब मेरी लाइफ में टेस्टिमनी होगी तो मैं गवाही दूंगा, वो लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर।
तू चंगा हुआ कि नहीं, ये मेरी और प्रभु की बात है, डोंट वरी। अगर वहां पे चर्च में प्रभु के द्वारा अगर 1,000 लोग चंगे हो सकते हैं संडे, तो मेरा नंबर आएगा। हाँ, कोई ऐसा गुनाह नहीं अपने किया कि आपका नंबर ना आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन उसकी सच्चाई का क्या करना? प्रीच करना,